तीसरा वेक्टर आज का हमारा टॉपिक होगा, हेडिंग लगा लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर्स को दो तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, सभी को पता है कौन कौन सी चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई तो हम वेक्टर का मल्टीप्लाई दो तरीके से करते हैं कि अगर हम वेक्टर का इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर में सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है, आंसर में सिर्फ क्या है ओनली क्या है आंसर में मैग्नीट्यूड है ना। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हमने नाम है ना, ऐसे मल्टीप्लीकेशन को जो हम नाम देंगे वो होगा स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट ना। अच्छे से समझो, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ऐसा करो कि सिर्फ क्या है आंसर में, क्या आना चाहिए आंसर में मैग्नीट्यूड। या फिर हम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ऐसा कर सकते हैं कि दोनों आपस में मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे उसका रीजन आपको आगे पता चलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो आपका आंसर में भी क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ रहा है, मतलब आपके आंसर में भी क्या है वेक्टर। क्लियर है सबको? इतना समझ में आया है ना? तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना, उसका मीनिंग समझेंगे अच्छे से। तो हेडिंग लगा के स्केलर प्रोडक्ट, जिसका नाम हो जाए डॉट प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए, विजिबल है सबको वेक्टर है, और दिस इज वेक्टर बी। अच्छा दोनों के बीच का एंगल कितना है अभी थीटा डिग्री, कितना है थीटा। अब मान लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर ए है एक्चुअली कैसा है, ए एक्स आई के ए वाई जे के प्लस ए जेड के। आई के जे के केवल क्या हो जाएगा सबको पता है, आई के यूनिट वेक्टर होता था कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में है ना, और वाई के और कौन से एक्सिस के अलावा सिमिलरली ऐसा वेक्टर बी होगा जो कि क्या होगा बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड। आगे बात समझ सबको, इतना क्लियर है? तो अगर मैं आपको ऐसा लिखता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसी को हम क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। क्या बोलते हैं इसी को हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला समझो पहले, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या दिखाता है स्केलर प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड निकालना आता है सबको वेक्टर का, मैग्नीट्यूड आता है निकालना कि नहीं आता जल्दी बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी
इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसका क्या ले लो cos थीटा है। अभी मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा कितना समझ इतना क्लियर है सबको। अच्छा अगर मैं बोलता हूं हाँ सुनो, अगर मैंने बोला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, अभी केस को ए ले लो समझने के लिए ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं वेक्टर बी। अगर मैंने बोला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब छाया शेडो, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है शेडो, क्या होता है शेडो, मतलब वेक्टर ए की शेडो ले लीजिए। देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर ए की शेडो वेक्टर बी, ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा वेक्टर ए की शेडो कौन से वेक्टर के ऊपर, वेक्टर अरे बताओ कौन से वेक्टर के ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर। तो अगर मैं वेक्टर बी की शेडो निकालूं तो वेक्टर बी की शेडो कैसे बनेगी, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहां तक वेक्टर बी की शेडो आएगी। अच्छा क्या वेक्टर बी की वेक्टर ए की शेडो को क्या मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो वेक्टर ए की शेडो को क्या लिख सकता हूं मैं ए कॉस थीटा। सबको पता है रिवोल्यूशन वाला कांसेप्ट क्या रहता है कि अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए किसी एक्सिस से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है तो इस थीटा डिग्री वाली एक्सिस से जो उसका कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे ए कॉस थीटा। याद आया कि नहीं आया जल्दी बताओ है ना, तो उसको क्या कर सकता हूं मैं ए कॉस थीटा कर सकता हूं। तो यहां से लेके यहां तक का जो प्रोजेक्शन आया है उसकी शेडो आई है इसको हमने बोल दिया ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो ये पिंक चौक से क्या बना हुआ है वेक्टर बी, पिंक चौक से क्या बना हुआ है दिख रहा है ना वेक्टर बी, तो वेक्टर बी, वेक्टर बी मतलब क्या हो गया वेक्टर बी के पास भी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो सिर्फ ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं डॉट प्रोडक्ट में हम क्या बोलते हैं कि आंसर में क्या आना चाहिए सिर्फ नंबर आना चाहिए डायरेक्शन नहीं आना चाहिए, तो डायरेक्शन को हटा दिया बी के पास तो क्या बचता बी। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा a dot b का मतलब क्या हो जाएगा a cos थीटा मल्टीप्लाई b, a cos थीटा मल्टीप्लाई b, तो इसी को तो हम लिखते हैं ab cos थीटा। समझ में आ गया फार्मूला कैसे बना, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब क्या है a में से डायरेक्शन को हटा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ b का मतलब क्या है वेक्टर b में से किसको हटा दो। समझ गए सर है ना, ठीक है लिख लो सूत्र। प्रेजेंट नहीं है चलो लिख लिया है ना। अब देखो जिसको मैग्नीट्यूड नहीं आता तो भैया मैग्नीट्यूड निकालना सीख लेते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास में वेक्टर है वेक्टर ए 3i k प्लस 4j k प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब इस वेक्टर में से क्या अलग करना है। अभी यहाँ पे नंबर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है प्रेजेंट है, इसमें से क्या निकालना है हमको डायरेक्शन को अलग अलग कर देना। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता था याद करो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट और जितने भी कोफिशिएंट है 3, 4, 2 इन सब का स्क्वायर करके क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर है ना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 कितना आ जाएगा हो जाएगा 29। अनिश क्वेश्चन, अनिश क्वेश्चन समझ में आया मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई के जे के के क्या भी जो भी नंबर लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट में लिखेंगे उनका
कहूं, है ना। अब आपको एक चीज बताते हैं हम यहां पर कि देखो अगर हमको दो वेक्टर दे रहे हैं तो हर बार हमको एंगल नहीं पता रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगर हर बार एंगल नहीं दे रखा तब कैसे सॉल्व करोगे, तो ये तो इतना नोट कर लेना हमने, है ना। अब मान लो कि अगर हमको सिर्फ ये डेटा दे रखा है, हमको ये नहीं पता कि एंगल कौन सा है क्या है, तो हम देखो इस फॉर्मूले को लगाने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। कैसे फंस जाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालोगे, सभी निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, कैसे निकालोगे, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किस चीज का निकल जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर, बी जेड का स्क्वायर। पर क्या तुमको दोनों के बीच का एंगल पता है, एंगल दे रखा है क्या, अभी कोई एंगल नहीं दिया तुमको, और बोलते डॉट प्रोडक्ट लेना नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो एंगल दे रखा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो ए बी कॉस थीटा बात करो, पर अगर एंगल नहीं दे रखा उस केस की बात करो, है ना। तो एंगल नहीं दे रखा तब क्या करना है, हमको क्या बोला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको निकालना है। तो सभी को पता है आपका वेक्टर ए क्या है, ए एक्स आई के, ए वाई जे के, ए जेड के। सिमिलरली वेक्टर बी क्या है, बोलकर बताओ, बी एक्स आई के बी वाई जे के प्लस बी जेड के, है ना। इसको आगे का सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। चीजें ये हैं कि कंसीडर करो कि हमारा एक्स सिस्टम है एक्स, ये है हमारी वाई, और ये एक्सिस हमारी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कहां निकल रही है सबको पता है, कहां निकल रही है जेड एक्सिस, ऐसे ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल रहा है ना। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, आई के। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या बोलोगे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या बोलोगे, है ना। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पे इसको आगे से सॉल्व करने के पहले इसको पहले हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने पूछा बताओ आई के डॉट जे के कितना होगा, आई के डॉट जे के कितना होगा, सबको पता है आई के मतलब यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। तो आई के का मैग्नीट्यूड वन, जे के का मैग्नीट्यूड वन, और के का मैग्नीट्यूड भी वन। फॉर्मूला लगाते हैं, अभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, क्या होता है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ए की जगह आई आया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे जे, और कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, बताओ आई और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, आई आई और जे के बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है सबको, है ना। तो यहां पर मैं लिख दूं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, cos 90 पर क्या होता है जीरो, मतलब जहां पर भी i k और j k मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। चलो सिमिलरली देखते बताओ j k और k k का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ j k मैग्नीट्यूड ऑफ k k cos 90 डिग्री, क्यों cos 90 डिग्री है, j और k के बीच में एंगल कितना है, कितना है j 90 डिग्री का, तो j k k k का भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा i k और k k का आंसर क्या होगा, कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, ये भी 90 डिग्री है ना, तो तीनों एक्सिस एक दूसरे से
90 डिग्री पर इंक्लाइन होती है, तो आई के कैप को डायरेक्टली लिखूंगा 90 डिग्री करके नहीं बताऊं लिखू, सॉरी जीरो लिखू, समझ जाओगे आई के और के कैप भी जीरो आया। सिमिलरली जैसे आई के जे कैप और जे कैप और के कैप जीरो आया। अब मैं आपसे पूछता हूं यार, मेरे को एक और चीज बता दो, आई के डॉट आई के पर क्या आया, आई के डॉट आई के पर फॉर्मूला लगाओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और क्रॉस ऑफ थीटा बिटवीन दे, वेक्टर आई का आयतन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सोच के बताओ, जीरो डिग्री। अच्छा आई के का मतलब होता है है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई के का मतलब होगा वन, इसका मतलब भी होगा वन और क्रॉस जीरो का मतलब भी होगा वन, तो आंसर क्या आ जाएगा वन। आई के इंटू आई के किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, वन के इक्वल होगा आई के इंटू आई के। अच्छा जे के इंटू जे के किसके इक्वल होगा, जे के डॉट जे के क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे के, मैग्नीट्यूड ऑफ जे के कॉस कितना होगा, कौन बताएगा, आई सी पास दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। तो कॉस जीरो डिग्री होगा मतलब क्या हो गया, जीरो मतलब वन, कॉस जीरो डिग्री पे वन होता है, जे के का मतलब वन और इस जे के मैग्नीट्यूड का मतलब वन, तो जे के इनटू जे के भी कितना हो गया वन हो गया, और के के डॉट के के भी कितना हो जाएगा, सिमिलरली वन हो जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आया है हमारे पास, अगर यूनिट वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आता है, एक यूनिट वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हो क्या आएगा, हमेशा वन आएगा, और दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो ये डेटा को थोड़ा हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई के इनटू आई के करने पर वन आता है, आई के इनटू आई के करने पर वन आता है, सिमिलरली जे के करने पर वन आता है, के इनटू के करने पर वन आता है, और इसी के जैसा एक और डाटा जो हमारे को देकर आया था क्या था, कि आई के डॉट जे के करने पर जीरो, जे के डॉट के करने पर जीरो और के डॉट आई के करने पर वन, ना वन आएगा ना, जीरो आएगा। चलो अब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है वो सब बताऊंगा अभी, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम क्लास 10 क्लास 9 में करते हैं, हर टर्म का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ax वाली टर्म का मैंने मल्टीप्लाई करा bx के साथ में, तो क्या हो जाएगा ax into bx i के डॉट i के हो जाएगा, जल्दी बताओ। सिमिलरली ax i के का मल्टीप्लाई करने में किसके साथ पूछ लिया, by j के साथ में, तो यार यहां पर देख के बताओ क्या होगा, प्लस का साइन आएगा सबसे पहले, तो ये प्लस है ये प्लस है, ए एक्स बी वाई यहां पर आ जाएगा आई के डॉट जे के, यार आई के डॉट जे के कितना होता है जल्दी बताओ, आई के और डॉट जे के का आंसर कितना होता है जल्दी बताओ, जीरो होता है, मतलब ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या इसको लिखने का मतलब है, क्या इसको लिखने का मतलब है, तो इसको हटा दो, अन्ना इसको हटा दिया हमने जबकि जीरो आ रहा है, तो सबको समझ में आ गया चलो। सिमिलरली हमने इसका मल्टीप्लाई करा किसके साथ में, इसके साथ में ए एक्स और बी जेड के साथ में, तो ए एक्स बी जेड आई के डॉट के के हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, कौन बताएगा, बाकी कमांडर, अच्छा तो नहीं हटाना चाहिए ना, क्यों क्योंकि क्या हो जाएगा जीरो, इसको हटा दो, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले यूनिट
वाई जे के और बी एक्स आई के को करना संयोजन, ए वाई जे के ए वाई बी एक्स जे के इंटू वाई के, जे के इंटू वाई के किसके इक्वल है देखो, अरे उल्टा भी हो सकता ना, ये भी किसके इक्वल आएगा जीरो के, आई इंटू जे जीरो के इक्वल है तो जे इंटू वाई भी क्या होगा जीरो के इक्वल, क्लियर है सबको। अरे टू इंटू थ्री करो या थ्री इंटू टू करो आंसर क्या आएगा, तो ये मत सोचो कि यहाँ पे आई डॉट जे लिखा है तो जीरो के इक्वल, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जे डॉट आई, तो भी आंसर किसके इक्वल आएगा, तो इसको लिखने का सेंस है क्या कुछ, तो इसको लिखने का कोई सेंस नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली अब हमको दिखा है ए बाई जे के और बी बाई जे के, इसको हमने ऐसा लिख दिया ए बाई जे के इंटू सॉरी ए बाई बी बाई जे के डॉट जे के, इसको लिखने का सेंस है कि हटा देना चाहिए, इसको लिखे रहते हैं हटा दे, सोचो जे के डॉट जे के प्लस की वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी वन होगी, तो इसको हमको लिख के रखना है, तो इसको हम लिख के रखते हैं। चलो सिमिलरली यहाँ पर ए बाई जे के पे यहाँ पे बी जेड के पे लिखना चाहिए क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके लिखना चाहिए क्या, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। बताओ ए बाई जे के और बी जेड के को लिखोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब हटा दो कोई मतलब नहीं है, फिर के और आई के का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, फिर के और जे के का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, के का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, के वाली चीज के साथ, इसको मैं लिख दूं डायरेक्टली ए जेड बी जेड के डॉट के। अच्छा एक चीज बताओ, क्या जहां जहां आई के आई के आ रहा है, जहां जहां जे जे आ रहा है, जहां जहां के आ रहा है, क्या मैं बन लिख सकता हूं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या जाएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई डी वाई प्लस ए जे बी जे। इससे हम क्या सीखे कि जब भी हमको दो वेक्टर का इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए दें तो हमको सबदूर मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, आई के वाली टर्म का आई के वाली टर्म का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, आई के वाले है ना, आंसर डायरेक्टली निकालना है आपको, हमेशा आई वाले का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ में कर दो, वाई वाले का मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे और जेड वाले का मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे, जेड वाले के साथ। तो ए एक्स इंटू बी एक्स और मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन बतानी है, तो आई को हटा दो, ए वाई इंटू बी वाई ए जेड इंटू बी जेड, क्लियर है सबको, समझ में आ गया कैसे करना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, चलो तो स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल्स टू आई के माइनस टू जे के प्लस के के, वेक्टर बी इक्वल्स टू टू वाई के प्लस जे के माइनस के के। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आई के माइनस टू जे के प्लस के के डॉट टू आई के प्लस जे के माइनस के के। चलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या आई वाले का मल्टीप्लाई जे वाले के साथ में करना है, आई वाले का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब घटे वन
वन है, वन का मल्टीप्लाई टू में कर दो, वन इंटू टू, यहाँ पर जे का मल्टीप्लाई जे है, मतलब प्लस का साइन लगा के माइनस टू इंटू, यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पर वन है, वन, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस वन इंटू माइनस वन। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। तो वन इंटू टू कितना हो गया टू, माइनस टू इंटू वन कितना हो गया माइनस टू, प्लस वन माइनस वन का मल्टीप्लाई कितना हो गया माइनस वन, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया माइनस टू। क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको करके दो। वेक्टर ए इक्वल्स टू थ्री आई के प्लस फोर जे के माइनस फाइव ए के, वेक्टर बी इक्वल्स टू फाइव आई के प्लस फोर जे के प्लस थ्री के। देखो मल्टीप्लाई और प्लस करना देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आया। एक बार और ट्राई, कहीं तो कुछ मिस्टेक कर रहे। प्लस 16, किस किस का प्लस 16 आ रहा है? ओके, और वापस हमने ट्राई करा है कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। कैसे आ रहा है 16? तो वापस से देखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, तो आंसर 16 कैसे आएगा? ए डॉट बी मतलब थ्री आई के प्लस फोर जे के माइनस फाइव ए के, फाइव आई के प्लस फोर जे के प्लस थ्री के, मल्टीप्लाई कर दो आई वाले टर्म का, आई वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब थ्री का मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे? फाइव के, जे वाले का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब फोर इंटू फोर, के वाले का मल्टीप्लाई के वाले के साथ में, मतलब माइनस फाइव इंटू थ्री, फिफ्टीन, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन, क्या आ गया? आ गया आंसर 16। तो देखो यहां पर आंसर निकालना काफी क्या है, इजी है ना, बन जाएंगे डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन। देखो हाँ अपन ने दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई, हाँ अपन ने दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और वेक्टर ए इक्वल्स टू थ्री आई के प्लस सेवन जे के माइनस टू के के, वेक्टर बी इक्वल्स टू सेवन जे के सेवन आई के प्लस फोर ए के माइनस टू ए के, बताओ आंसर क्या है? ट्वेंटी फाइव। तो मल्टीप्लाई में किस चेक करते हो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। करो आराम से करो, इनकी एकदम से करके लिखो, जैसे सिखाया वैसे करो। वेक्टर ए वेक्टर बी को लिखो, मल्टीप्लाई करो, फिर बताओ। 25
सेवन इंटू फोर के वाले का मल्टीपल, हाँ लिखा होता है सेवन आई के प्लस फोर जे के माइनस ट्वेल्व के, थ्री आई के प्लस सेवन जे के माइनस टू के, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस टू, तो माइनस टू माइनस ट्वेल्व, ठीक है चलो, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, कर लो क्या है सेवेंटी थ्री, ठीक है। पांचवी मिस्टेक समझ में आई, पांचवी अब तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको कैसे प्रूव करूं? चलो कुछ सिंपल सा है कि हमको ऐसा बोल दिया है वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा है, तो अभी क्या निकाल रहा हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा फॉर्मूले से, अरे एंगल दे दिया ना फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है इतना समझ गए। अब अगले के लिए आपको क्या बोला है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मतलब वेक्टर बी से एंगल बनाओ ए की तरफ, तो वेक्टर बी से ए की तरफ एंगल कितना होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना, लिखूं इसको 360 माइनस थीटा। तो एक चीज बताओ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो क्या लिख सकता हूं वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने क्लास 11 में, 360 माइनस थीटा कॉस थीटा के साथ में किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ही होता है ना, पढ़ा होगा ना ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, तो कॉस थीटा यहां पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, 360 माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा पॉजिटिव आएगा, तो वो क्या आ गया पॉजिटिव। अच्छा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आ गया, इसको मैं अरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं, ये तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 लिखो 3 इक्वल टू लिखो बाद में, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए किसके इक्वल आ गया, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ठीक है आगे बात समझ में। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा होमवर्क के लिए, और अगली क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे।